हेलो फ्रेंड्स, एचडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत सुंदर डिजाइन बताऊंगी। ये डिजाइन हमने सेवन फंदों से बनाया है और बहुत ही सुंदर है। इसे केवल का भी रूप दे सकते हैं। अब देखिए ये इसको किस प्रकार से बनाना है। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, फिर आपके समझ में आएगा ये डिजाइन हमने कैसे बनाया। बहुत ही सुंदर डिजाइन है और इस प्रकार से इसको बनाना है। पहले आप बॉर्डर बनाइए। बॉर्डर बनाने के बाद आप इस प्रकार से इस डिजाइन को बनाइए। ये देखिए, ये हमने साइड के लिए रखे हैं दो फंदे। दो फंदे अब हम उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे किया, अब सात फंदे हम सीधा बुनेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। अब धागा आगे करके दो फंदे फिर से हम उल्टा बुनेंगे। और दो फंदे हमने साइड के लिए। ये दो फंदे हमने गैप के लिए रखे हैं। दूसरी केवल यहाँ पर लगाएंगे तो आप उसमें भी इसी प्रकार से गैप रखेंगे। अब आगे हम उल्टी साइड, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, यहाँ पर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सात फंदे हमने उल्टा बुने। फिर से दो फंदे सीधा बुनेंगे और दो फंदे फिर उल्टा बुने। ये देखिए, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। अब ये सात फंदे हम देखिए कैसे बनाएंगे। ये सात फंदे हमने फिर से सीधा बनाए हैं। आप डिब्बी को जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। हम इसमें चार सिलाइयां नीचे डालेंगे तो हमने तीसरी सिलाई डाल दी। अब चौथी सिलाई उल्टी साइड से, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, सात फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। अब आगे देखिए, ये चार सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। चार सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद अब डिब्बी को कैसे करेंगे। ये दो फंदे उल्टे। अब देखिए, धागा अपनी तरफ रखें और यहाँ पर हम एक लूप लेंगे। ऐसे लूप लिया, एक दो, दो फंदे हमने उल्टा बुने। अब वन टू थ्री, अब तीन फंदे एक साथ लेंगे। ये तीन फंदे एक साथ लेंगे और इनको एक बार में ही बुन लेंगे ऐसे। फिर दो फंदे उल्टा बुनेंगे, एक लूप यहाँ पर लेंगे ऐसे, जिसको हम जाली बोलते हैं। हम जाली भी बना सकते हैं पीछे से आगे की तरफ धागा करके। ये देखिए, अब एक जाली हमने इस साइड डाली है और एक जाली इस साइड डाली है।
बीच में 3 का 1 किया। अब रॉन्ग साइड से दो फंदे सीधे, ये जाली वाला फंदा हम उल्टा बुनेंगे। सारे फंदे उल्टा उल्टा कंप्लीट करेंगे, ये दो फंदे सीधा बुनेंगे। अब देखिए, दो फंदे सीधे हो गए, ये दो फंदे हर बार उल्टा ही बुने जाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, ये जाली वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ पर एक लूप लेंगे, ऐसे सिलाई पर धागा लपेट कर। पहले हमने यहाँ पर दो फंदे उल्टा बुने थे, अब यहाँ पर एक फंदा उल्टा बुनेंगे और ये 3 फंदे एक साथ लेंगे, ऐसे 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का 1 बना देंगे। ये फंदा उल्टा बुना जाएगा। अब यहाँ पर ये फंदा सीधा है, तो आगे धागा रखते हुए इसको हम पीछे की तरफ बनाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारी जाली बन जाएगी। ये दो फंदे उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, अब उल्टी साइड से सभी सिलाई हमारी उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बनाएंगे। ये देखिए, सीधा बुना। अब आगे हम वापस सीधी साइड में फिर से दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। ये जाली के फंदे हैं, तो इनको हम सीधा बनाएंगे। दो फंदे सीधे बुने। अब यहाँ पर एक लूप ले लेंगे, ऐसे धागा किया और आगे की तरफ लपेट लिया। अब ये 3 फंदे हम एक साथ लेंगे। 3 फंदे बचे, तो तीनों को एक साथ ले लेंगे। ये जाली वाला फंदा है, तो इसको पीछे की तरफ धागा करके आगे से पीछे की तरफ बनाएंगे, ऐसे दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। ये देखिए, इस प्रकार से हमारी डिब्बी कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड कंप्लीट करें। रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लें, फिर आगे देखिए कैसे करना है। बहुत आसान है और बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। अगर आप पूरे स्वेटर में डालें तब भी अच्छी केवल बनेगी। जैसे फर्स्ट रो डाली थी, उसी प्रकार से अब हम आगे बुनेंगे। दो फंदे सीधे, दो उल्टे और ये बीच के 7 फंदे हम सीधा बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। जैसे फर्स्ट रो डाली थी, वही रो हमारी यहाँ पर आएगी और आगे इसी प्रकार से बनाते जाएंगे। और बनने के बाद ये डिजाइन देखिए कैसे लगेगा। अब इसके ऊपर दोबारा डिब्बी बनाएंगे, तब
तब देखिए आप किस प्रकार से ये दिखाई देगा। ये देखिए डिब्बी पर डिब्बी बनाने के बाद इस प्रकार से ये डिजाइन दिखाई देगा। आप इसे किसी भी स्वेटर में, जैकेट में, जर्सी में, किसी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। अगर आपको हमारा डिजाइन अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।